नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। इंडियन रेलवेज इन दिनों बारीकी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की काबिलियत को परख रही है। पिछले साल पॉलीगॉन के साथ किए गए कोलैबोरेशन के तहत नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज ने रेलवे सेक्टर में ब्लॉकचेन के बढ़ते फायदों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए। हाल ही में IRCTC ने अयोध्या के लिए शुरू की गई आस्था ट्रेन की टिकट्स बतौर NFT जारी की। IRCTC की ये पहल इस कदर सफल हुई कि IRCTC ने इस NFT प्रोजेक्ट को दिल्ली लखनऊ रूट के लिए तेजस ट्रेन की टिकट के साथ आगे बढ़ाने में देर नहीं लगाई। महज 2 महीनों में IRCTC का ये दूसरा NFT टिकट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी खास बात ये है कि ये टिकट्स होली के पावन अवसर पर जारी की जा रही हैं। यानी दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली 2 तेजस ट्रेन के लिए ये NFT टिकट सिर्फ 20 मार्च से 2 अप्रैल तक उपलब्ध होंगी। रंगों से भरे इस होली के त्योहार की पूरी छवि छलक रही है इन रंगीली NFT टिकट्स में, जिसे यात्री अगर चाहें तो अपनी तस्वीरों के साथ अपना अलग पर्सनलाइज्ड टच दे सकते हैं। जी हाँ, अपनी NFT टिकट्स पर अपनी पसंदीदा तस्वीरें लगाकर यात्री अपने सफर से जुड़ी सुहानी यादों को हमेशा के लिए संजोकर रख सकते हैं। साथ ही यात्री कुछ चुनिंदा ब्रांड्स की तरफ से एक्सक्लूसिव ऑफर्स का मजा भी उठा सकते हैं। IRCTC is issuing tickets as NFTs on the blockchain. This means that these tickets double up as digital collectibles. That's a big deal for the NFT community as well as for the entire train passenger community as well. And I'm sure that's going to do 2 things. First, introduce the mass of Indian train passengers to the Web3 ecosystem, full points. And 2, it's going to create a community of Indian train passengers that last longer than the journey itself. We know that these communities exist during the journey. We've all experienced it. So even though I have yet to study the technical aspects of how these tokens are actually being issued, I do know that they are being issued on Polygon. And there is a traceability solution provider called NFT Trace that's behind them. That's what we know for sure. So now to see how it actually plays out, how the users interact with this, and hopefully I want to get my hands on one of these tickets and see it for myself. IRCTC के official digital platform पर showcase की गई इन NFTs पर Delhi और Lucknow की ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरत तस्वीरें उकेरी गई हैं। खैर, ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की तरफ यकीनन ये IRCTC का अहम और कारगर कदम साबित होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3tv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।